पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि तुर्की ने ग्रीस को यह धमकी दे दी कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उस पर मिसाइल से हमला कर दिया जाएगा। दोनों देश सैन्य संगठन नेटो के सदस्य हैं और इनके बीच भूमध्य सागर में मौजूद टापुओं को लेकर विवाद है, जिन पर दोनों अपना हक जताने से पीछे नहीं हटते। तुर्की और ग्रीस एक दूसरे को अपनी सैन्य ताकत दिखाकर भूमध्य सागर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। इससे पहले अक्टूबर में तुर्की ने ग्रीस पर दबाव बनाने के लिए कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था और अब उसने ग्रीस की राजधानी एथेंस पर मिसाइल हमला कर उसे तबाह करने की धमकी दी है। तुर्की का आरोप है कि उसकी सीमा के पास ग्रीस भूमध्य सागर के टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की ने ग्रीस को उन टापुओं से अपनी सेना हटाने का अल्टीमेटम तक दे दिया था, लेकिन आरोप है कि उसके बाद भी ग्रीस ने अपनी सेना वहां से नहीं हटाई, जिससे तुर्की आग बबूला है। इधर चीन के स्पेस स्टेशन ने काम करना शुरू कर दिया। इसी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष में इंसान का इकलौता ठिकाना होने का तमगा छिन गया, क्योंकि अब अंतरिक्ष में ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के रहने का एक और अड्डा खुल गया। चीन का थियनगोंग स्पेस स्टेशन 180 फीट लंबे चीन के स्पेस स्टेशन में 6 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। एक और बात जो अहम है वो ये कि चीन परमानेंट स्पेस स्टेशन ऑपरेट करने वाला तीसरा देश बन गया। उसकी तैयारी सिर्फ हथियारों की रेस में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष की रेस में भी अमेरिका और रूस को टक्कर देने की है, क्योंकि ISS को अमेरिका और रूस के साथ जापान, यूरोप और कनाडा भी मिलकर चलाते हैं, लेकिन अपने थियनगोंग स्पेस स्टेशन को चीन ने अकेले बनाया है और उसे अपने दम पर ही ऑपरेट कर रहा है। वहीं चीन के स्पेस स्टेशन की शुरुआत तब हुई है जब 2030 में ISS बंद होने वाला है। चीन का स्पेस स्टेशन अगले 15 साल तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और जीवन पर रिसर्च करेगा। उधर बिहार में राज्य आयोग की परीक्षा में चयन के बाद नियुक्ति नहीं होने पर इंजीनियरों ने प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्होंने पटना में नेहरू रोड को जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सामने आई तस्वीरों में इंजीनियर सड़क पर बैठकर हाथों में पोस्टर लिए हंगामा करते नजर आए। इस दौरान पुलिस उनको सड़क से हटाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन इंजीनियरों ने उनकी एक न सुनी और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। आखिर में पुलिस ने उन्हें किसी तरह समझाकर सड़क से हटाया और जाम खुलवाया। इस बीच मौसम विभाग ने बेंगलुरु में हो रही बारिश का बुधवार तक जारी रहने का अनुमान जताया, जिसके वजह से वहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया और वहां भारी बारिश की संभावना जताई। बारिश की वजह से बेंगलुरु की सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान मंदूस कमजोर पड़ गया है, लेकिन अगले कुछ समय तक कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इधर इटली की राजधानी रोम में दिन दहाड़े हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग हमले में घायल हो गए। बताया गया कि वहां एक कॉफी शॉप में बैठक चल रही थी, तभी एक आदमी बंदूक लेकर वहां पहुंचा और लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पास बैठे कुछ लोगों ने गोलीबारी करने वाले को दबोच लिया, जिसे बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हिरासत में ले लिया और आगे की जांच में जुट गई। वहीं इस घटना पर वहां की राष्ट्रपति ने दुख जताया।